हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रेसिपी किचन में मैं आज आपके लिए स्वीट डिश काजू कतली की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और जायकेदार होती है गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा आसान और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी होती है गाइस। इसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो ये है। ये लगभग मैंने 100 ग्राम के लगभग ये काजू लिए हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह के टुकड़े भी ले सकते हैं। 1 स्पून हमने देसी घी लिया है और ये कम से कम लगभग 150 ग्राम के लगभग ये मैंने पूरी चीनी ली है और इसको सजाने के लिए चांदी का वर्क लिए। और चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तवा रख दिया है गाइस और अब हमें इसमें ये चाशनी बनाना है। और चाशनी बनाने के बाद इसको हमें 2 कप कम से कम इसको चाशनी को बनाना है। 2 कप हमें पानी लिया है। ये देखिए ये अच्छी तरह से हमें अच्छी तरह से इसको चाशनी बनाना है। और इधर गाइस अब ये हमें जो काजू है इनको पीस लेना है। हम पीस कर दिखाएंगे। देखिए गाइस ये हमने अच्छे से ये पीस लिया है। ये हमारी चाशनी भी हो रही है। ये देखिए इसमें हमें अभी ये थोड़ा सा ये हमें इसमें घी ऐड करना है। ये देखिए इससे नहीं तो अभी हमें जो काजू का ये पेस्ट डालना है नहीं तो ये चिपकने लगेगा। ये देखिए ये अच्छे से तरह से ये मेल्ट हो चुका है। ये देखिए और अच्छे से हमें चाशनी पकने देना है क्योंकि चाशनी नहीं अच्छी पकेगी तो ये हमारी काजू कतली भी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए और गैस को धीमी ही रखना है गाइस। देखिए ये अच्छी तरह से हमें इसको चाशनी में मिक्स करना है। ये देखिए ये इस तरह से हमें इसी स्पून से अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है चाशनी के अंदर और ये घुल जाएगी। देखिए देखिए कितना अच्छा सा है ये पकने लगा है। हमें इसको कम से कम 20 से 25 मिनट हो गए हैं। ये देखिए इसको अच्छी तरह से अभी हमें इसको देखिए लेकिन इसको हमें धीमी ही आंच पे पकाना है जिससे अच्छी तरह से ये पक जाए। और ये थोड़ी सी ये इतनी सॉफ्ट नहीं रहेगी। थोड़ा सा इसको जब इसका ये चाशनी का पानी सूखने लगेगा तो थोड़ी सी खुद ही सख्त हो जाएगी। ये देखिए अभी हमने इसको 20 से 25 मिनट अभी हमें इसको 5 मिनट तक और पकाना है। उसके बाद हमें गैस बंद कर देनी है। ये देखिए देखिए गाइस अभी ये हमें ये बटर पेपर लेके ये देखिए इस तरह से हमें ये हमारे अच्छी तरह से ये काजू कतली ये बन चुकी है। देखिए अब हमें इसको सब निकाल लेना है। ये देखिए अब ये देखिए इस तरह से हमें इसको अच्छे तरह से इससे स्पून की मदद से हमें अच्छे से इसको ये देखिए इस तरह से हमें ये देखिए गाइस ये हमें इस तरह से ये जो चांदी का वर्क होता है जो सजावट होती है देखिए इससे मिठाई बहुत अच्छी लगने लगती है। ये देखिए इस तरह से हमें सब चिपका देना है। इस तरह से हमें ये सब कर देना है गाइस। इसको अब हमें इसके पीस करना है और इसको हमें जो है कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ना है।
जब ये इसको 1 घंटा हो जाएगा तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये हमारी काजू कतली 1 घंटा हो गया था, ये ठंडी हो चुकी है और ये हमने इसको पीस में कटिंग कर लिया। देखिए, और ये जो चांदी का वर्क दिखाया था इसके ऊपर लगा था, देखिए कितने अच्छे और डिलीशियस लग रही है, कितना प्यारा इसका कलर आया, उतनी ही ये टेस्टी खाने में भी है। गाइस, आप मेरी इस रेसिपी के साथ अपने किचन में ज़रूर ट्राई करना काजू कतली की ये रेसिपी, और मेरे चैनल को लाइक करें, अच्छे से कमेंट फीडबैक दें, अपने दोस्तों में मिलने वालों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।